बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट या फाइंड ए बी सी डी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये चार वैल्यू हमको निकालना है। गिवन क्या क्या है, ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ। अब कैसे सॉल्व करें, तो देखिए ए बाई बी का वैल्यू कितना है 5/9, सी बाई डी का वैल्यू कितना है 1/2, एंड ई बाई एफ का वैल्यू कितना है 3/4। और पूछा है कि a is to b is to c is to d कितना आएगा। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो देखिए हम a b c को कैसे लिखते हैं, a by b is equal to c by d। और एक चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको इक्वल टू e by f, ये हमारा बेसिक रूल है, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे टाइप के हमने एक क्वेश्चन रूल यहाँ पे देखा था जिसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, तो उसी के मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ट्रिक बड़ी सरल है, यहाँ पे कैसा है तीन अलग अलग फ्रैक्शन है तो सॉल्व कैसे करें। अगर मुझे इस ए का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा, सारे न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, तो मुझे मिलेगा ए का वैल्यू, फिर पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, तीसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बी का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तीसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ऐसा अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सी का वैल्यू मिलेगा। और लास्ट सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मुझे डी का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स करना है, अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूं। अब फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5 × 1 × 3, ये हो गया हमारा पहला फ्रैक्शन, पहला वैल्यू ए का 5, 1 और 3। इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि और आपको समझ में आ जाए। ठीक, अभी नेक्स्ट बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरे और तीसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज टू 9 × 1 × 3, ये होगा बी का वैल्यू। ठीक, अब सी का वैल्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरे और तीसरे, दूसरे का डिनोमिनेटर, तीसरे का न्यूमरेटर, तो आएगा क्या 9 × 2 × 3। सिमिलरली डी का वैल्यू क्या आएगा, फिर सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 × 2 × 4। सिंपली अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, क्या आएगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18 × 3 कितना आएगा 3 × 3 = 6, 6×9 = 54। और लास्ट 4 × 4 = 8, 8×9 = 8, 9 कितना 72। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये सारे नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने क्यों बोला, उसके लिए तो जैसा कि मल्टीप्लाई करने का फाइनल आंसर हमारा आया 15 × 27 = 54 × 72। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो रहा कि कैसे, तो हमने एक डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो बनाया था, उसमें डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 क्या है उसको देख लीजिए, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो अगर मैंने तीनों नंबर को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 3 × 5 = 15, करेक्ट, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 24, 18, और यहाँ पे 24। अब फिर से इसको किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक, अभी अगर फिर भी आपको डाउट चल रहा होगा तो ये एक फिगर फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। तीन अलग अलग फ्रैक्शन गिवन है, सबके न्यूमरेटर का अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो हमको ए का वैल्यू मिलता है, जो कि यहाँ किया है। दूसरा बी का वैल्यू निकालने के लिए पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और तीसरे फ्रैक्शन का फिर से न्यूमरेटर, मतलब ये डिनोमिनेटर इंडिकेट कर रहा है न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, यहां से हमारा बी का वैल्यू मिलेगा। सी का वैल्यू पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और तीसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यहां से सी का वैल्यू मिलता है। और लास्ट डी सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए। तो आपको इस फिगर की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान जाएगा।